दुनिया भर के टेनिस की नजरें टिकी है 27 जून से शुरू होने वाले विंबलडन टूर्नामेंट पर इसे बेहद प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है आइए नजर डालते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों और इसके इतिहास पर विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है पहली चैंपियनशिप 145 साल पहले 1877 में हुई जिसमें सिर्फ पुरुषों का गेम था महिलाओं को कुछ साल बाद अठारह में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत मिली सिर्फ दोनों विश्व युद्ध के दौरान और 2020 में कोविड महामारी की वजह से विम्बलडन का आयोजन नहीं हो सका दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने लंदन पर बमबारी की जिससे सेंटर कोर्ट की छत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया जिसे ठीक करने में कई साल लगे विम्बलडन आउटडोर ग्रास कोर्ट आरोप खेला जा आता है और ये टेनिस के चार प्रमुख ग्रैंड स्लैम्स में से एक है बहुत से लोग इसे टेनिस में मिलने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मानते हैं रॉजर फेडरर आठ बार इसे जीतकर विजेताओं की फेहरिस्त में पहले पायदान पर है तो महिलाओं में चेक अमेरिकी मार्टिना नवरात्रोवा के नाम नौ खिताबों का रिकॉर्ड दर्ज है दक्षिण पश्चिम लंदन के विम्बल्टन में खेले जाने वाला ये टूर्नामेंट हर साल जून के अंत में शुरू होता है और दो सप्ताह तक चलता है इसे अपनी कुछ परम्पराओं के लिए जाना जाता है टूर्नामेंट बिना किसी रुकावट के चलता है इसमें टीनेजर्स की भूमिका बेहद अहम होती है जिन्हें बॉल गर्ल और बॉल बॉय के नाम से जाना जाता है और खिलाड़ियों को सिर्फ सफेद कपड़े पहनने होते हैं दर्शकों के लिए स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाने के साथ साथ पिम पीने की भी परंपरा है जो एक ब्रितानी शराब है शाही परिवार के लोग भी आमतौर पर सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में टूर्नामेंट देखने आते हैं इंग्लैंड में काफी बारिश होती है और ये विम्बल्टन के लिए एक परेशानी थी जिसकी वजह से मैच स्थगित हो जाते थे लेकिन 2009 में सेंटर कोर्ट पर एक ऐसी छत बनाई गई जो बारिश से मैच को बचा लेती है इस बार टूर्नामेंट हर साल के मुकाबले अलग होगा क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को विंबलडन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। इसका असर रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव पर पड़ेगा रूस और बिलारूस के खिलाड़ियों को फ्रेंच ओपन जैसे टूर्नामेंट्स में बतौर न्यूट्रल खिलाड़ी हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है सजा के रूप में टेनिस गवर्निंग बॉडी ने विंबलडन के रैंकिंग पॉइंट्स को अमान्य कर दिया है जिसका मतलब है कि इस साल के टूर्नामेंट में जीत किसी खिलाड़ी की ओवरऑल रैंकिंग आरोप असर नहीं डालेगी